हीरा यानी डायमंड दुनिया का सबसे कीमती चीज है। एक छोटे से हीरे की कीमत लाखों में होती है। खासकर लड़कियां और महिलाएं हीरों की दीवानी होती है, और एक छोटा सा हीरे की अंगूठी से ही सभी लड़कियां और महिलाएं खुश हो जाती है। ये बात अगर आप एक लड़की है तो ठीक से समझ पाएंगी, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा भी हीरा है जो एक ग्रह यानी प्लेनेट जितना बड़ा है, तो जी हाँ, इतना बड़ा हीरा होता है जिसे डायमंड प्लेनेट कहा जाता है, और आज का एपिसोड इसी के ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव, और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123 चैनल का अनदेखा सच वीडियो सीरीज। रात के आसमान में टिमटिमाते अनगिनत तारे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो सभी एक चमकता हुआ हीरा है। चाहे ज़्यादातर तारे हीरा नहीं होता है, पर ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो पूरा का पूरा हीरा से बना है। डायमंड प्लेनेट नाम सुनके ही ऐसा लगता है कि बस वहाँ जाऊँ और एक टुकड़ा ही सही लेके आऊँ। कुछ लोग तो ये भी चाहेंगे कि वहाँ जाकर एक घर ही बना ले, लेकिन वहाँ अगर आप जैसे तैसे पहुँच भी गए पर आप वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उस हीरे से बना प्लेनेट का ग्रेविटी पृथ्वी से 15 गुना से भी ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वहाँ जाने वाला हर इंसान को वो प्लेनेट एक पेस्ट में बदल देगा। और इतना ज़्यादा ग्रेविटी होता है उसके हाई डेंसिटी के वजह से। इस बात को जानने के लिए पहले हमें जानना होगा कि डायमंड प्लेनेट बनते कैसे हैं। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि जो भी डायमंड प्लेनेट्स मौजूद है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक येलो स्टार हुआ करता था, ठीक हमारे सन के तरह, पर वो एक दूसरे काफ़ी बड़े तारे का चक्कर लगाया करता था। जब उस बड़े स्टार का फ्यूल ख़त्म हो गया तब वो फटकर सुपरनोवा बन गया और अपने पीछे छोड़ गया एक पल्सर। पल्सर एक घूमता हुआ मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रॉन स्टार होता है। इस घटना के भी बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो सन जैसा तारे का भी फ्यूल समाप्त हो जाता है और पीछे रह जाता है व्हाइट ड्वार्फ कहलाने वाला एक जलता हुआ कोर। पल्सर के ग्रेविटी ने व्हाइट ड्वार्फ के आउटर लेयर से हल्के एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन और हीलियम को अपने तरफ खींचना शुरू कर देता है, और आखिर में व्हाइट ड्वार्फ के पास कार्बन के मॉलिक्यूल्स ही बचे रह जाते हैं, और यही बचे हुए कार्बन व्हाइट ड्वार्फ के ग्रेविटी से क्रिस्टलाइज होकर एक डायमंड में बदल जाता है, और यही है एक डायमंड प्लेनेट। ऐसा ही एक प्लेनेट का नाम है 55 कांक्री ई, जो पृथ्वी से 40 लाइट ईयर्स दूर है, और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इस ग्रह का ज़्यादातर हिस्सा हीरे से बना है और बाकी कार्बन का। दूसरा प्लेनेट जो पूरा का पूरा हीरे का होने का अनुमान लगाया है वो पृथ्वी से 4000 लाइट ईयर्स दूरी पर है, और नाम है PSR J179-1438b। लेकिन आप इतने बड़े हीरे को साथ नहीं ला सकते हैं, उसके लिए आपको इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा। पर हीरा दुनिया का सबसे मजबूत चीज़ होता है, पर ब्रह्मांड का नहीं। हीरे से बना होने के बावजूद ये प्लेनेट एक दिन टूटकर बिखर जाता है, और ये होता है जिस पल्सर का वो चक्कर लगा रहा होता है उसके वजह से। चक्कर लगाते लगाते जब ये डायमंड प्लेनेट पल्सर के बहुत पास चला जाता है तब पल्सर की ज़बरदस्त ग्रेविटी इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। उस समय जैसे हीरो की एक बारिश होती है, लेकिन एक भी टुकड़ा आप ले ले उससे पहले ही सभी टुकड़े पल्सर में समा जाता है। तो है ना कमाल का दोस्तों हमारा अंतरिक्ष, जहां सिर्फ हीरो का ही नहीं सोने चांदी का भी प्लेनेट मौजूद है। पर किसी तरह से हम वहां बस्ती बना भी ले तब हमारे लिए सबसे कीमती चीज़ होगी एक मुट्ठी भर मिट्टी, क्योंकि वहां तो मिट्टी होगी ही नहीं। तो वहां की लड़कियां हीरो की नहीं मिट्टी की अंगूठी पहनना पसंद करेंगी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल में इस तरह के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जैसे कि अभी स्क्रीन पर कुछ वीडियोस दिख रहे हैं। कृपया इनको देखें या फिर हमारे चैनल में जाएं, जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोडेड है। धन्यवाद।